नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे गुलमोहर कहानी श्रृंखला के भाग तीन में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों ने भाग एक और भाग दो को सुना और बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिला आप लोगों से। तो चलिए, आज प्रस्तुत है मेरी कहानी गुलमोहर का भाग तीन। गुलमोहर के सुर्ख फूलों में कुछ तो ऐसा था जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। स्कूल के दिनों में प्रार्थना शुरू होने से पहले मैं स्कूल के बरामदे में अपने साथियों के साथ खड़ा होकर दुनिया भर की बातें किया करता था। गुलमोहर का पेड़ भी बरामदे के पास में ही था। ऐसा लगता था मानो एक पेड़ ही नहीं है बल्कि मेरे अस्तित्व का एक अनिवार्य हिस्सा है। अपर्णा भी प्रायः वहाँ अपनी सहेलियों के साथ आती थी और उन लोगों से हमारी बातें भी होती थी। वह 90 का दशक था और आज की तरह मोबाइल और टेक्नोलॉजी का ज़माना नहीं था। दोस्तों के साथ गपशप करना ही हमारा मुख्य शगल हुआ करता था। पिछली कक्षाओं में मैं हमेशा अपने स्कूल में प्रथम स्थान पर रहा करता था, लेकिन 10वीं में आकर न जाने मुझे क्या हो गया था कि मैं स्वयं समझ नहीं पाता था। मेरी पढ़ाई का स्तर अब पहले जैसा नहीं रह गया था। तो क्या यह अपर्णा के स्कूल में आने का साइड इफेक्ट था या और कुछ? यह मेरी जिंदगी का वो दौर था कि मुझे अपर्णा बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन बातों बातों में उसने मुझसे पूछा, राहुल, 10वीं के बाद तुम कौन सा विषय लोगे? मैं इस अप्रत्याशित प्रश्न के लिए तैयार नहीं था। मैं जानता था कि अपर्णा अपने भविष्य को लेकर अत्यंत सजग थी। कुछ उसके पिता का भी असर था जो उसी कस्बे में तहसीलदार थे। मैंने कुछ सोचकर जवाब दिया, अभी मैंने इस विषय में कुछ सोचा नहीं है, 10वीं पास होने के बाद सोचूंगा। उसे क्या पता था कि अभी तो मैं ये सोच रहा हूं कि इस साल पास कैसे हो पाऊंगा। गुजरते वक्त के साथ मैं उसके करीब आता गया। वो मुझे पसंद करती थी कि नहीं, इसका मुझे कभी एहसास नहीं हुआ, लेकिन ऐसा जरूर लगता था कि वो मुझसे बात करना पसंद करती थी, क्योंकि जब वो मुझसे बात करती थी तो मुझे उसकी आंखों में एक विशेष चमक दिखाई देती थी। इसकी एक वजह शायद यह भी हो सकती है कि मैं अपने स्कूल की सभी गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर भाग लेता था और कुछ सीमा तक अपने साथियों और शिक्षकों में लोकप्रिय भी था। और हाँ, इसमें खेलकूद शामिल नहीं था। 90 का दशक ऐसा था जब इश्क, मोहब्बत, प्यार, रिलेशनशिप, ब्रेकअप जैसी अवधारणाओं ने जन्म नहीं लिया था और अफसाने तो निगाहों से बयां होते थे। मुझे अपर्णा की निगाहों में हमेशा ऐसा ही भाव दिखा मानो वह मुझे पसंद करती है। एक दिन अपर्णा ने मुझसे पूछा, एक बात पूछूं, तुम्हें यह गुलमोहर का पेड़ इतना अच्छा क्यों लगता है? मैंने उससे कहा, गुलमोहर ही नहीं, मुझे प्रकृति का वो हर पेड़ अच्छा लगता है जिसमें सुर्ख फूल खिलते हैं, जैसे गुलाब, गुलमोहर, टेसु और भी न जाने कितने पेड़ पौधे, क्योंकि वो मुझे कुछ याद दिलाते हैं। अपर्णा ने फिर पूछा, किसकी? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हारे सुर्ख गालों की। वो तो शर्म से लाल हो गई थी। उस समय उसका चेहरा देखने लायक था। वो शर्माकर तुरंत वहां से चली गई। उस समय केवल हम दोनों ही बात कर रहे थे और आसपास कोई नहीं था। हम लोग हिंदी विशिष्ट पढ़ते थे और माँ सरस्वती की कृपा से मुझे हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं का अच्छा ज्ञान था और साथ ही मुझ में वाक पटुता भी थी, इसलिए मैं अपने स्कूल के समस्त कार्यक्रमों और गतिविधियों का अनिवार्य हिस्सा हुआ करता था। देखते देखते समय बीतता रहा और मार्च का महीना आ गया। हमारी परीक्षाएं प्रारंभ हो गईं। अपर्णा के सारे पेपर अच्छे हुए और मेरे पेपर कैसे हुए ये तो रिजल्ट निकलने पर मुझे पता चला। छोटा कस्बा होने के कारण हमारे माता पिता भी आपस में परिचित थे।
इसलिए कभी कभी वो लोग हमारे घर आया करते थे और मेरे माता पिता भी उनके घर जाया करते थे। गर्मी की छुट्टियों से पहले एक दिन अपर्णा अपने माता पिता के साथ मेरे घर आई। उसने देखा कि मेरी अलमारी में कुछ किताबें रखी हुई हैं। उसने एक किताब उठाई, कुछ पन्ने पलटकर देखा, फिर मुझसे पूछा, तुम ऐसे उपन्यास भी पढ़ते हो? मैंने कहा, हाँ ये उपन्यास है, लेकिन हिंदी साहित्य की अत्यंत चर्चित कृति है। दरअसल वह किताब धर्मवीर भारती की चर्चित कृति थी, गुनाहों का देवता। फिर उसने मुझसे कहा, क्या मैं इसे पढ़ने के लिए ले जा सकती हूँ? लेकिन मैं इसे गर्मी की छुट्टियों से वापस आने पर ही लौटा सकूंगी, क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ। मेरे लिए तो जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी यही थी कि उसने मुझसे कभी कुछ मांगा, वह भी धर्मवीर भारती की चर्चित कृति गुनाहों का देवता। तो क्या वह मेरी सुधा बनने वाली थी और मैं उसका चंदर? मैंने उससे कहा, तुम इसे ले जाओ और जब चाहे लौटा सकती हो, यदि न भी लौटाओ तो कोई बात नहीं। लेकिन उसने मुस्कुरा कर कहा, वैसे इसे लौटाना नहीं पड़े तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन यदि लौटाना पड़ा तो मैं वादा करती हूँ कि इसे अवश्य लौटाऊंगी। ये वो वाक्य था जिसे मैं आज जिंदगी के इस पड़ाव पर आकर समझ पाया था कि उसने क्या कहा था और क्यों कहा था। इस बीच हमारे माता पिता आपस में बातचीत कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो लोग अपने घर चले गए। गर्मी की छुट्टियां समाप्त हो गईं और हमारा रिजल्ट भी निकल गया। अपर्णा ने पूरे शहर में अधिकतम अंक के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की। मेरा रिजल्ट भी बहुत बुरा नहीं था, लेकिन मैंने मुश्किल से प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की। रिजल्ट के बाद मैं 15 दिन के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांतीय शिविर में भाग लेने के लिए रायपुर चला गया। वहाँ से जब वापस आया तो मेरे दोस्तों ने सूचना दी कि अपर्णा के पिताजी का स्थानांतरण कहीं और हो गया है और वो लोग अपना सामान लेकर जा चुके हैं। मैं स्तब्ध और किंकर्तव्य विमूढ़ वहीं खड़ा रहा। घर में मैंने अपनी माँ से पूछा, माँ अपर्णा आई थी क्या? क्या उसने कोई किताब वापस की? माँ ने कहा, नहीं बेटा, वो यहाँ नहीं आई थी। मेरी सुधा चली गई थी और मैं उसका चंदर यहाँ अकेला रह गया था, उसके साथ गुजरे लम्हों की यादों की किताबों के साथ। एक प्रेम कहानी जन्म लेने के पहले समाप्त हो गई थी। एक कली खिलने के पहले ही मुरझा गई थी। एक चंदर किसी कहानी का नायक बनने से पहले ही समाप्त हो चुका था। तो यह थी मेरी कहानी गुलमोहर का तीसरा भाग, और चौथा भाग सुनेंगे हम कल के एपिसोड में। धन्यवाद।